सफा बैतुल माल अपने सोशल वर्क्स के लिए जाना जाता है और इस बार भी जो है विंटर को चलते हुए ब्लैंकेट्स एंड जैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव चल रही है। इसी में आपको बता दें कि 300 ब्लैंकेट्स और 200 जैकेट्स गुलबर्गा के अलग अलग कोनों में गरीब तबके के लोगों को जो मेन जो है सफरर्स हैं उन तक पहुंचाई गई है, चाहे वो रेलवे स्टेशन रहने दो या फिर बस स्टैंड या फिर जिम्स हॉस्पिटल। आप सबको बता दें कि इस मौके पे मौलाना नजीर राशिदी प्रेसिडेंट सफा बैतुल माल गुलबर्गा, मौलाना गौस उद्दीन खासमी, मौलाना शफीक साहब खासमी, मौलाना मुख्तार रशदी, इमरान पटेल, मोहम्मद लईक और सफा बैतुल माल की टीम यहां पर मौजूद रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज 25 दिसंबर बाद नमाज इशा सफा बैतुल माल के तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान की टीम हर साल की तरह इस साल भी ब्लैंकेट्स और जैकेट तकसीम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जिम्स हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ कई मुस्तहिक मरीजों में ब्लैंकेट तकसीम किए गए और उसके बाद यहाँ गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर आए। आप देखते हैं कि हमारे कारकुनान और जिम्मेदारान जो यहाँ सर्दी के मौसम में जिनके यहाँ बिस्तर नहीं है और काफ़ी दुश्वारी होती है, उनके यहाँ पहुँचकर तकरीबन जो है 200 ब्लैंकेट्स और 200 जैकेट तकसीम का ये निज़ाम सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये टीम गुलबर्गा के बस स्टैंड पर और मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर जो बेयार और मददगार गरीब लोग रहते हैं, जो जिनके कोई मकान नहीं होते, फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसे मौके पर उनके लिए एक छोटी सी ब्लैंकेट्स एक सहारा का ज़रिया, एक सहारे का ज़रिया बनती है। और ख़ास तौर पर सफा बैतुल माल के जिम्मेदारान कारकुनान जब ये पहुँच कर काम करते हैं तो बरादरान वतन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत और अकीदत से निगाह से देखते हैं कि ये गाड़ी और जुब्बे वाले चल फिर कर जो है मुस्तहिकीन तक पहुँच कर जो है काम कर रहे हैं। इससे उनकी एक तो मुस्तहिकीन की ज़रूरत भी पूरी होती है और दूसरे जो है ना फील्ड पर काम करने के लिए निकलते हैं तो बहुत से लोगों के जो बरादरान वतन के जहनों में मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो छवि ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया जो नफ़रत को पैदा करना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल माल बिला जो है मज़हब व इंसानियत पहुँच कर जो है रिफाही फलाही खिदमात अंजाम देता आ रहा है। अल्लाह ताला इन खिदमात को बेइंतहा कबूल फरमाए। अस्सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ पीर बाद नमाज इशा 25 दिसंबर को हर साल की तरह से इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह
सफ़ा बैतुल माल शाह गुलबर्रा की जानिब से और पूरे जिम्मेदारान यहाँ पर शरीक हैं। जिम्स हॉस्पिटल में भी जाने का मौका मिला, जहाँ पर बहुत सारे गरीब मरीज लोग अफराद वहाँ पर थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुलाकात भी हुई और बीमार पुष्टि भी की गई और उनके साथ नरमी से शफ़क़त के साथ कुछ उलमा इकराम ने दुआएं भी वहाँ पर उनके लिए दुआएं दी उनकी सेहत याबी के लिए और मुस्तहिकीन को कुछ मदद माली तौर पर मदद भी किया गया और इसी तरीके से वहाँ पर कुछ चादरें वगैरह भी तकसीम किया गया। उसके बाद फिर यहाँ पर स्टेशन में आकर बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि मुसाफिरीन थे जो फुटपाथ पर लोग सो गए हुए हैं सर्दी की वजह से बेयार व मददगार हैं, तो यहाँ पर भी कुछ चादरें वगैरह यहाँ पर भी तकसीम अमल में लाया गया है। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन खिदमात को कबूल फरमाए और मौत तक दीनी जज्बा रखने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ पीर 25 दिसंबर सफ़ा बैतुल माल शाह गुलबर्गा की जानिब गरीब मुस्तहिकीन में ब्लैंकेट और सूटर्स और जैकेट्स जो है तकसीम किए गए। ये काफिला सबसे पहले हमारा जिम्स हॉस्पिटल पहुंचा और वहाँ मुस्तहिकीन तक पहुँच कर फर्दन फर्दन जो हर एक को जो है ब्लैंकेट दी गई और उसके बाद वहाँ से ये कारवां हमारा रेलवे स्टेशन पहुँच कर जो आप देख रहे हैं और यहाँ कई सौ मुस्तहिकीन मौजूद थे। हमारे पास गुंजाइश कम थी, हम बहुत सारे लोगों को ब्लैंकेट और सूटर और जैकेट तकसीम कर दिए गए और बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों की जो है ज़रूरत है और हमारी कोशिश है कि आइंदा फिर इस तरीके की मुहिम हम चलाकर इन मुस्तहिकीन को जो है ब्लैंकेट दिए जाने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला हमारे इस काम को Thank you for watching GoHash. Like, share, and subscribe our channel.